ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के अवलोकन के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समयावधि में बड़ी खुशखबरी या बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव, तनावपूर्वक स्थिति और कई प्रकार की उलझने और परेशानियां चल रही है। वीडियो के लास्ट में दो विशेष सलाह के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल माने जाते हैं, जो आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी रहेंगे और पराक्रम योग बनाने वाले हैं। शनिदेव आपके लाभ भाव पर, राहु देव आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे। इन 15 दिनों में बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे। शुक्रदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर यानी वृश्चिक राशि में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपके राशि के स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी हैं, वहीं कर्म भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव पर प्रभावी हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल के भाग्य भाव पर रहने से आपकी संकल्प शक्ति और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। मेष राशि वाले जातकों को व्यापारिक जीवन में कामयाबी मिलने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिल सकता है। शनि की अनुकूलता वर्तमान समय में आपको आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अच्छी सफलता दे सकती है। वहीं वर्तमान समय में यदि आप सरकारी क्षेत्रों में राजनीतिक जीवन में जुड़कर काम कर रहे हैं, विशेष अवसर और सफलता आपको मिलने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव पर ही प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं।
एक से लेकर 15 जनवरी 2024 तक की समयावधि में आर्थिक स्थितियों में आपको इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुक्र की अनुकूलता रुका हुआ धन आपको दिलवाने वाली है। आर्थिक परेशानी यदि आपके जीवन में चल रही है उससे निपटने के पूर्ण रूपेण अवसर दिखाई देंगे। कर्ज पूर्वक स्थिति यदि आपके जीवन में चल रही है उससे निपटने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। शनि की अनुकूलता व्यापारिक क्षेत्रों से आर्थिक उन्नति के अवसर आपको प्रदान करने वाली है। वर्तमान समय में भौतिक सुखों में वृद्धि होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप कोई भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विदेश के मामले में धन लाभ की संभावना विशेष रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, 1 से लेकर 15 जनवरी तक की समयावधि में जो आपके द्वितीय हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह स्थिति पारिवारिक मामलों में कठिनाइयां दे सकती है। कुंडली के 12वें घर में राहु मौजूद हैं और आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। ऐसे में आपको इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का वैचारिक मतभेद निर्मित करने से बचना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। इन 15 दिनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन में उठाया गया कदम आपको सोच विचार कर रखना है, तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्यदेव वर्तमान में अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। प्रेम जीवन के लिहाज से साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बेहतर हो रही है। जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं सूर्यदेव भाग्य भाव पर यानी 9th हाउस पर प्रभावी हैं, अच्छी अवस्था में हैं। प्रेम संबंधों में आपके मन में उत्साह की स्थितियां विशेष रूप से मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार होता है और 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपके वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। रिश्तों के मामले में संवेदनशीलता रहने वाली है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से वैवाहिक स्थिति आपके जीवन में अच्छी रहने वाली है। इन 15 दिनों की समयावधि में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में समर्पण उत्साह के बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह बढ़ेगा और प्रसन्न चित्त होकर चलने में सफल रहने वाले हैं। साल की शुरुआत से एक दिन पहले ही गुरु आपके प्रथम भाव पर मार्गी हो जाएंगे। इसकी वजह से संतान के दृष्टिकोण से भी यह समय बेहतर रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को संतान सुख आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की उन्नति और प्रगति के अवसर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। आपका 9th हाउस यानी भाग्य भाव प्रभावी है। इसकी वजह से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो विद्यार्थी जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह समय उत्साह प्रदान करने जा रहा है। विद्यार्थियों के मन में एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, जनवरी के 1 से लेकर 15 तारीख तक की समयावधि में सेहत के दृष्टिकोण से बेहतरीन संभावना दिखाई दे रही है। राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं जो आपके 9th हाउस पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। इसकी वजह से यहां पर मनोबल और उत्साह आपका बढ़ा हुआ रहेगा।
उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, पिछले समय से आपने महसूस किया होगा कि नींद ना आना, तनाव की अधिकता, शारीरिक रूप से भी आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव जैसे माइग्रेन, सिर दर्द, घबराहट, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको मिल रही थी। गुरु मार्गी हैं और आपकी राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित हैं, इसकी वजह से कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं होगी। सेहत आपकी इस समयावधि में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रह सकती है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले दो विशेष सावधानियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में व्यक्तिगत जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने ऊपर लेने से बचना होगा। तो ये स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। नकारात्मक विचारधारा के व्यक्तित्व के लोगों के साथ भी इस समयावधि में रहने से आपको बचना होगा। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए अपने कार्य व्यवसाय में आपको निरंतरता बनाकर चलनी होगी। टारगेट बनाकर ही आपको काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, आपके द्वादश भाव पर राहु देव मौजूद हैं, राहु जनित दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।